हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे फैल्कन एंड विंटर सोल्जर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, और आज बात करेंगे इस वीडियो के सबसे हाईलाइट अपडेट के बारे में जो कि है स्पाइडरमैन से रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तीन ओल्ड अपडेट के बारे में जो कि है एपिसोड 5 से रिलेटेड। तो पहला है स्ट्रॉन्ग एपिसोड। इसका मतलब यही था कि जो काले और गोरे का भेद दिखाया एपिसोड 5 में कि आज तक 70 सालों से क्यों नहीं बना ब्लैक कैप्टन अमेरिका, इसका रीजन हमें इसमें पता चला। दूसरा, कैप्टन अमेरिका की न्यू शील्ड जो कि जॉन ने अपने लिए खुद बनाई है जो कि हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिली। और देन थर्ड, एक सीक्रेट कैमियो, वो क्या था वो मैं आपको वीडियो की एंडिंग में बताऊंगा। तो पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके पहले गाइस सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारे OTT अपडेट्स DC, मार्वल, स्टार वॉर्स के पहले पता चले। चलिए अब बात करते हैं MCU अपडेट के बारे में। तो मार्वल स्टूडियो ब्लैक पैंथर 2 का वर्किंग टाइटल कंफर्म हो चुका है, समर ब्रेक, ये इसका ऑफिशियली वर्किंग टाइटल है। और तो और, रियान ने जो कि इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इस टाइम उनकी पूरी टीम और वो खुद जॉर्जिया में है और ब्लैक पैंथर 2 की शूटिंग स्टार्ट जल्दी हो जाएगी। और अब बात करते हैं न्यू अपडेट के बारे में। तो स्पाइडरमैन नो वे होम का चाइनीज पोस्टर रिलीज करा गया है, टाइटल इसमें चेंज कर दिया है, हीरो विदाउट होम ये इसका टाइटल रखा गया है, पर उन्होंने ऐसा बस मजाक के तौर पे करा है। डॉक्टर स्ट्रेंज आपको ऑफिशियली देखने को मिलेंगे स्पाइडरमैन मूवी में, जी हाँ, एक कैमियो होगा जो कि एक प्रॉपर तरीके से होने वाला है। और उसी के साथ अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज से अपडेट से रिलेटेड। तो फाइनली इस वीक तक इसकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, और ये ऑफिशियली कंफर्म करा है एक इंटरव्यू के दौरान केविन फाइगी ने, जो कि MCU के प्रेसिडेंट है। और केविन फाइगी ने इंटरव्यू के दौरान एक कैप पहन रखी थी जिसमें कि डॉक्टर स्ट्रेंज का हमें लोगो देखने को मिला, जिसमें कि तीन कलर दिखाए गए हैं और तीनों कलर का अपना खुद का एक मकसद है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। डेविड एयर जो कि सुसाइड स्क्वाड के पुरानी वाली के डायरेक्टर है, उन्होंने फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है उसके कट का, जी हाँ, मोस्ट ऑफ दी इसके भी कट रिलीज होंगे। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के अपडेट के बारे में। तो फाइनली स्पाइडरमैन मूवी में आपको हैप्पी भी देखने को मिलेंगे, जी हाँ, वही पुराने अंदाज के साथ, वही कॉमेडी सीन के साथ। और इसी के साथ अब बात करते हैं ब्रेकिंग अपडेट के बारे में। तो फाइनली आपने डॉक्टर ऑक्टेवियस को तो जानते होंगे जो कि 2004 वाली स्पाइडरमैन मूवी के मोस्ट ऑफ द विलेन थे, तो फाइनली उन्होंने हिमसेल्फ खुद ही ने कंफर्म कर दिया कि ये एक मल्टीवर्स मूवी होने वाली है और जो मेरी खुद की स्टोरी होगी वो उसी दिन से और उसी वक्त से स्टार्ट होगी जहां पर मेरा एंड हुआ था, यानी कि सन 2004 वाली स्पाइडरमैन मूवी उसी तालाब से इनकी शूट स्टोरी स्टार्ट होगी। तो देखते हैं क्या होगा। और देन इस न्यूज़ को सुनकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मुझे मालूम है आपको ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, पर हाँ, इनकी स्टोरी उसी दिन से और उसी वक्त से स्टार्ट होगी तालाब के पास से। तो देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर दिसंबर के महीने में स्पाइडरमैन मूवी के साथ। अब बात करते हैं OTT अपडेट्स के बारे में। तो फाइनली विजर्ड का सीजन 1 हिंदी में आ चुका है नेटफ्लिक्स पे, तो जाके देख सकते हैं अगर आपको एनिमेशन टीवी सीरीज पसंद है। वंडर वुमन ऑफिशियली हिंदी डब और देन अदर लैंग्वेज में आपको अमेजोन प्राइम पे देखने को मिलेगी। रिलीज डेट चेक करने के लिए आप मेरे उस पर वेबसाइट पे जा सकते हो और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। सानिया फाइनली आपको अमेजोन प्राइम पे भी देखने को मिलेगी, इसकी भी रिलीजिंग डेट देखने के लिए आप मेरी वेबसाइट और ऐप पर जा सकते हो। देन फाइनली गुड न्यूज़ है कि नेवर हैव आई हैवर इसका सीजन 2 2 जुलाई को रिलीज होगा, हिंदी डब के साथ ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं फैल्कन एंड विंटर सोल्जर से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो एपिसोड 5 का जो कह सकते हो सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, थोड़ा बोरिंग था, पर हमें हर एक सीन में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, जिसमें कि एंडिंग में देखने को पता चला कि वकांडा टेक्नोलॉजी के साथ फैल्कन को एक न्यू सूट देखने को मिलेगा। जी हाँ, हमें एपिसोड 5 में ये चीज़ दिखाई तो नहीं गई, पर वो एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। पर अब ये सूट हमें कैसा देखने को मिलेगा, तो वो सूट देखने को मिलेगा आपको बिल्कुल कह सकते हो जो कि आपने कॉमिक बुक में देखा होगा, बीच में एक स्टार, ब्लू कलर का कलर और देन वाइट कलर की धारियां, और फैल्कन यानी कि एक जो पंछी है उसका जैसा, और आप जैसा कि मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ इस तरीके से सूट होगा। और फैल्कन एक न्यू अंदाज में नजर आएगा कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ, जो कि आने वाली कैप्टन अमेरिका की जगह लेगा, जी हाँ। और देन आप सभी जानते हो कि इस टाइम सैम के पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े हैं उसको मारने के लिए, तो सबसे पहले है वॉल्कर जो कि एक नए अवतार में नजर आएगा और अपनी खुद की जो शील्ड क्रिएट करी गई है उसको लेकर सैम से लड़ेगा। और देन उसी के साथ आपको लेपर भी देखने को मिलेगा, मैंने पहले ही एपिसोड 5 में कंफर्म करा था कि ये कैरेक्टर दोबारा रिटर्न होगा और जो कि सैम से बदला लेना चाह रहा है, और देन कार्ली की पूरी टीम सैम के पीछे पड़ेगी। और उसी के दौरान बीच में हमें पता चला एक लड़की जो आप बीच में खड़ी हुई आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में सीक्रेट कैमियो वाली लड़की है जो कि पूरे एपिसोड में चर्चा में बनी हुई थी, और इसको एक्चुअली में कॉमिक बुक में एक नाम से जाना जाता है, मैडम हाइड्रा। इसने अपना स्पेनिश नेम बहुत ही डिफरेंट तरीके से बताया था, पर इसे मैडम हाइड्रा के नाम से जाना जाता है, जो कि मार्वल एजेंट ऑफ द शील्ड में भी देखने को मिली थी, पर इस यूनिवर्स से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। हम बात कर रहे हैं MCU मूवी यूनिवर्स की, और इसको ऑफिशियली ट्रेंड करा था मैडम हाइड्रा को टास्क मास्टर ने, जो कि थंडरबोल्ट्स के अंडर काम करता है। और देन
वो इनवाइट करना चाह रही है आप जॉन को, जो कि थंडरबोल्ट्स की टीम को ज्वाइन करे। और आपको बता दूं कि पहले 2000 क्या कहते हैं जनवरी के महीने में ही अराउंड रूमर आया था कि फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में आपको थंडरबोल्ट्स की टीम इंट्रोडक्शन कराई जाएगी, और देन ये चीज़ अब कंफर्म हो जाती है इस एपिसोड से। और मैडम हाइड्रा की अगर बात करी जाए तो आपको ये अपकमिंग मूवी ब्लैक विडो मूवी में देखने को मिलेगी। जी हाँ, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, और मैडम हाइड्रा थंडरबोल्ट्स साथ मिलकर अब धमाके मचाएंगे, और आने वाली सीरीज़ भी हमें काफ़ी तरीके से धमाकेदार तरीके से देखने को मिलेगी। और बात करें अगर जीमो की, तो जीमो आपको 1 ईयर की टाइमलाइन के बाद आपको वकांडा टीवी सीरीज़ में और ब्लैक पैंथर 2 में देखने को मिल सकता है एक कैमियो के तौर पर। वकांडा टीवी सीरीज़ में आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो पेज को लाइक करें, रील में आपको जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक में शेयर करो। जो बंद इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना। बाय, जा रहा हूँ।